हेलो दोस्तों, आपने बहुत से यूट्यूब चैनल पे देखा होगा उनकी वीडियो लेट वाई होती है, यानी कि वो हाथ से लिखते हैं। और ऐसी वीडियो आप खुद भी अपनी बना सकते हो, जैसे कि अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की भी वीडियो देखी होगी, जिसमें वो कई बार बीच बीच में वो पेंसिल से जो लेटर लिखते होते हैं, वैसे कोई इंसान बना दिया, गाड़ी बना दी, ऐसे वैसे लेटर में वो वीडियो बनाते, हैंड राइटिंग में जो वीडियो बनाते रहते हैं, वो आप खुद भी अपने ऐसे ही बना सकते हो। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप भी अपने लिखने वाली वीडियो कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में साथ बने रहे, एंड तक वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई दोस्तों, मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। उस पर आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, बनेमी, तो ये इस ऐप का नाम है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों, मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। फिर दोस्तों, ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको कोई भी आपका फाइल का नाम दे देना है, जैसे मैं खुद का नाम लेकर लिख लेता हूँ यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे चूज़ कैनवास साइज पे क्लिक करना होगा। यहाँ साइड में देखो तो यहाँ पे आप टिकटॉक का साइज लेना चाहते हो, या फेसबुक की वीडियो बनाने के लिए साइज लेना चाहते हो, इंस्टाग्राम ले, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का लेना चाहता हूँ। यूट्यूब 1080 पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट मोड से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपके साथ पास में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये वाला ऑप्शन टैक्स का, तो जैसे आप स्टिकर वगैरह पे इन पे क्लिक करोगे, एक बार स्टिकर पे आपको जब से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी स्टिकर यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे ऐड इमेज, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल में कोई भी इमेज आपकी गैलरी वगैरह में, या ऐड से कोई PNG वगैरह है, कोई एनिमेशन वगैरह है, या कोई भी चीज़ अगर आपके फ़ोन में है, फ़ोन गैलरी में, तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके इन पे भी ले सकते हो। या अगर आप इसी पे ही लेना चाहते हो, इस ऐप में ही लेना चाहते हो कोई भी, यहाँ पे आप ड्राइंग पे कोई भी ड्राइंग ले सकते हो, बस, गाड़ी, रेल वगैरह कुछ भी। यहाँ पे पीपल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, कुछ भी वगैरह हैं, ये कुछ भी हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। स्कूल पे क्लिक करोगे यहाँ पे बुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह ले सकते हो। बिल्डिंग पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे घर, बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पे आप मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, रिमोट वगैरह कुछ भी यहाँ से ले सकते हो। किचन पे क्लिक करोगे यहाँ पे किचन का सामान आ जाएगा। फर्नीचर पे क्लिक करोगे फर्नीचर का सामान आ जाएगा। शेप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी शेप यहाँ से ले सकते हो यहाँ पे। या फिर लोटी आर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोटी आर्ट में कोई भी यहाँ पे इमेज ले सकते हो आप, या फिर वेदर में आप ले सकते हो, या आप सोशल मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप ये ले सकते हो, या आप करेक्टर में आप कोई भी ले सकते हो, औरत का या आदमी का करेक्टर आप कोई भी ले सकते हो। तो दोस्तों, मैं जैसे कि एक करेक्टर यहाँ से उठा लेता हूँ, तो मैं ये वाला करेक्टर ले लेता हूँ। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या होगा, अगर आप लिखने वाली अगर वीडियो बना रहे हो, अगर आप ये भी साथ में लगाना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे जो इस इमेज को आप अगर बड़ा करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो साइज, तो इससे आप ऐसे बढ़ा सकते हो, जैसे कि देखो, और फिर इसे ऐसे ले के हाथ से इसे दबा के और इसे लगा सकते हो, कहीं पे भी सेट कर सकते हो। फिर दोस्तों, मेन चीज़ यहाँ पे है ड्यूरेशन की, कि कितनी देर तक आप इसे रखना चाहते हो, कितने सेकंड तक, तो मैं यहाँ पे 3 सेकंड तक यहाँ पे इसे रख लेता हूँ। आप अपने वीडियो के हिसाब से जितनी देर तक आप रखना चाहो उतना रख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपके टेक्स्ट का ऑप्शन देख रहा होगा, टेक्स्ट में आप क्या लिखना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैंने तो कॉपी कर रखा है कोई भी टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, हाथ से लिखने वाला वीडियो बनाए, जैसे कि मैंने ये लिख दिया है। और इंसर्ट पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको इसे उठा के कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हो, जैसे कि, और दोस्तों यहाँ पे आप कलर ले सकते हो, और यहाँ पे आप फॉन्ट ले सकते हो, कि फॉन्ट आप कौन सा लेना चाहते हो। तो जैसे कि मैं एक फॉन्ट चूज कर लेता हूँ, तो जैसे कि मैंने ये फॉन्ट चूज़ कर लिया। उसके बाद दोस्तों, ये कलर है थोड़ा और गहरा ले लेते हैं हम, तो इस तरह से हम कोई भी यहाँ से कलर ले लेते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ से आप इस लेटर को कहाँ पे लगाना चाहते हो, साइड में, बीच में, या कहीं पे भी इस लेटर को लगा सकते हो, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक राइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बीजी का जो ऑप्शन है बैकग्राउंड, यानी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जो इसमें, जैसे कि हमने वाइट बैकग्राउंड लगा रखा है, तो इसकी जगह आप कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि रेड हुआ, कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे वही बैकग्राउंड आप यहाँ पे लगा सकते हो। और फिर दोस्तों, जैसे कि हाथ से जो लिखने वाला है, जैसे कि अभी वो भी आपको देगा, यहाँ पे आपको एक हैंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कोई भी एक अच्छा सा हैंड ले लेना है, तो जैसे कि दोस्तों, मैं ये वाला हैंड ले लेता हूँ। और यहाँ पे कोई भी आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो, जो भी आप म्यूजिक ऐड करना चाहो तो। और एक बार दोस्तों, मैं इसे एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से लिखने वाला स्टेटस ऐसे लिखा जाएगा, आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ें आपको बताई है कि कैसे आप स्टिकर लगा सकते हो। दोस्तों, अगला पेज लेने के लिए आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, जो नेक्स्ट जो और एडिंग थिंग, जैसे कि आप बड़ी वीडियो बनाना चाह रहे हो, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे जो
पेज है जो ये फर्स्ट पेज पे तो मैंने ऐसे बना दिया, तो आप सेकंड पेज लेने के लिए इस पर प्लस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे अपना और डाल लेना, और ज़्यादा पेज लेने के लिए फिर से प्लस पे दबा देना, तो ऐसे करके आप और भी पेज ले सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी स्टिकर वगैरह है वो ऐड कर सकते हो, और दोस्तों अगर आप चाहते हो तो बैकग्राउंड में भी अगर आप अपनी कोई इमेज लगाना चाहते हो तो वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपने जो फर्स्ट पेज पे जैसे कि मैंने ये लिखा है, तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो लिखा है फर्स्ट, तो इसके थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि बैकग्राउंड में मेरी कोई भी इमेज है, जैसे कि फर्स्ट वाली ले लेता हूँ मैं, ये लगा देता हूँ, तो इसे सिलेक्ट लेंगे, क्रॉप कर लो यहाँ, अगर आप क्रॉप करना चाहते हो इसे क्रॉप भी कर सकते हो, और क्रॉप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में जो पीछे है वो बैकग्राउंड में वो जो मैंने इमेज लगाई वो लग चुकी है, और आगे ये वाली इमेज लग चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप हाथ से लिखने वाली वीडियो बना सकते हो या अपना स्टेटस भी बना सकते हो ऐसे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ।